हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। कनाडा बॉर्डर के पास बर्फीले पहाड़ों में होकाई और केट चलते जा रहे हैं। होकाई केट से कहते हैं, तुम्हें याद तो है ना कि तुमने गाड़ी कहाँ पार्क की थी। केट कहती है, जितने जोक मारने मार लो, लेकिन हम गुम हो चुके हैं। मैं इस रास्ते से तीसरी बार जा रही हूँ। होकाई पूछता है, तुम ये कैसे कह सकती हो। केट कहती है, तुम्हें दिखाई तो दे नहीं रहा और तुम मैप पकड़ कर खड़े हो गए। होकाई कहता है कि मुझे इतना तो दिखाई दे रहा है कि मूनस्टोन के विलेज का रास्ता यहीं से होकर जाता है, और वैसे भी मुझे यहाँ ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा जिससे हम रास्ता पूछ सकें। तभी पहाड़ हिलने लगता है और बर्फ के नीचे दबा हुआ एक बहुत बड़ा सेंटिनल सामने आकर होकाईज पे अटैक करने लगता है। होकाई कहता है, मैं तो म्यूटेंट नहीं हूँ, फिर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। केट बताती है कि बहुत साल पहले ही इनकी प्रोग्रामिंग में चेंज कर दिया गया था जिससे अब ये विद्रोहियों को मारने का काम करते हैं। होकाई एक एक्सप्लोजिव एरो सेंटिनल की आंख में मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। तब होकाई पूछता है, ठीक है, प्लान भी क्या है। केट कहती है, प्लान भी यही है कि तुम शांत रहो और सेंटिनल को मेरी तरफ लेकर आओ। तब केट सेंटिनल की आंख में निशाना लगाकर कहती है, स्माइल यू सन ऑफ अ बिच। तीर सीधा सेंटिनल की आंख में लगता है और एक एक्सप्लोजन के साथ सेंटिनल का कंट्रोल सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेंटिनल नीचे गिर जाता है। होकाई सेंटिनल के पास जाकर देखता है कि सेंटिनल की बॉडी पे मूनस्टोन के साथ हुई लड़ाई के निशान है। होकाई सोचता है, काश कि मूनस्टोन जिंदा हो जिससे मैं खुद उसे मार सकूं। तब वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और होकाई से कहते हैं, हम कई देर से तुम्हारा पीछा कर रहे थे और सुन रहे थे। तुम मूनस्टोन को जानते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उसके लिए सम्मान नहीं है। होकाई कहता है, मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। एक लेडी कहती है कि हमें इन लोगों को मारकर इनकी हड्डियाँ मूनस्टोन के लिए इनाम में ले जानी चाहिए, लेकिन एक आदमी कहता है कि अगर ये सच में उनके दोस्त हुए तो वो हमें पनिशमेंट दे देगी, लेकिन अगर ये खतरा हुए तो। होकाई कहता है, हम कोई खतरा नहीं है, अगर तुम हमें मूनस्टोन के पास ले जा सकते हो तो हम तुम्हें अपने वेपन्स दे देंगे। केट होकाई से फुसफुसाकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने सुना नहीं कि वो हमें मारना चाहते हैं। होकाई कहता है, आजकल मैं जिस किसी से भी मिल रहा हूँ वो हर कोई मुझे मारना ही चाहता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। हम देखते हैं कि होकाई ने एक तीर अपने पास छुपा कर रखा है और होकाईज उन लोगों को अपने वेपन्स देकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। इधर कनाडा के बॉर्डर पे दो सोल्जर्स काम कर रहे हैं। पहला कहता है कि मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अब तक तो मैं डेथ पिट्स का सुप्रीम बन चुका होता। जिस पे दूसरा सोल्जर एक अकेले आदमी को आता देखकर पहले से कहता है, क्यों ना इसे मारकर तुम अपने खौफ की शुरुआत करो। ये बुलसाई है जो होकाई का पीछा करता हुआ यहाँ तक आया हुआ है। वो दोनों सोल्जर्स बुलसाई को कहते हैं, तुम आगे नहीं जा सकते। जिस पे बुलसाई अपनी हेड निकालता है और वो सोल्जर्स देखते हैं कि ये तो मार्शल बुलसाई है और उसका कनाडा में स्वागत करते हैं। तब बुलसाई उनकी स्नोमोबाइल को देखकर कहता है, तुम्हारे पास तो एक अच्छी राइड है। और अगले ही सीन में उन दोनों सोल्जर्स को मारकर उनकी स्नोमोबाइल भगाता हुआ होकाई की तरफ चल पड़ता है और कह रहा है, बार्टन मैं आ रहा हूँ, इस धरती पे तुम मुझसे कहीं नहीं छुप सकते। इधर होकाईज उन लोगों के साथ मूनस्टोन के विलेज पहुंच जाते हैं, जहां वो आदमी मूनस्टोन के घर के पास जाकर कहता है, माय गॉडेस, हम घुसपैठियों को आपके पास लाए हैं, अब आप ही डिसाइड करो कि ये दोस्त हैं या दुश्मन। एक लेडी होकाई से कहती है, अब वो तुम्हें एक आसान मौत मार देगी, मैं तुम्हारी आत्मा की शांति की कामना करती हूँ। होकाई कहता है, और मैं तुम्हारी। तब मूनस्टोन बाहर आती है और पूछती है, तुम मेरे लिए क्या लाए हो। वो आदमी कहता है, ये कह रहा था कि वो आपका दोस्त है, क्या मैंने आपकी अच्छे से सेवा की है। मूनस्टोन कहती है, हाँ तुमने की, और अपनी पावर से उस आदमी की बॉडी को कोयला बना देती है। अब मूनस्टोन होकाई से पूछती है, क्या बात है, तुम अपनी पुरानी लवर को देखकर खुश नहीं हुए। केट होकाई से पूछती है, हे भगवान, कोई ऐसी लेडी भी बची है जिसके साथ तुमने रात नहीं गुजारी। होकाई कहता है, उस टाइम में बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी। मूनस्टोन कहती है, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। होकाई कहता है, 45 साल हो गए जब तुमने मेरे दोस्तों को मारा था। मूनस्टोन कहती है, तो तुम यहाँ मुझसे बदला लेने आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे, और लोग भी मुझे मारने की ट्राई कर चुके हैं। सालों पहले बैरन जिमो ने मुझे मारने के लिए सेंटिनल्स भेजे थे क्योंकि मैंने उसको मरवाने की कोशिश की थी। होकाई पूछता है, तुम उसे क्यों मरवाना चाहती थी। मूनस्टोन बताती है कि बैरन जिमो ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे एक टेरिटरी देगा, लेकिन उसने और रेड स्कल ने मेरे बिना टेरिटरीज डिवाइड कर दी। उसे क्या लगता है कि जब मैं इतनी पावरफुल हूँ फिर भी वो मुझे भूल गया। तब मैंने अपने दिमाग का यूज़ करके वो लिया जो मुझे चाहिए था, और तभी से बैरन जिमो मुझे मारने में नाकाम रहा है। मैंने अपने फॉलोवर्स की एक आर्मी भी बना ली है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं है लेकिन ये मुझे समझते हैं। क्लिंट, मुझे तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा है, मेरी पावर्स मेरी बॉडी को डिसॉल्व कर रही है और इसीलिए मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन मैं यहाँ अकेले नहीं मरने वाली। तुम मुझे वो दोगे जिससे मैं रेड स्कूल को ये दिखा सकूँ कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। होकाई पूछते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। मूनस्टोन कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए,
बस तुम्हारी लाश चाहिए, और हॉकाई पे अटैक कर देती है और हॉकाई उसकी अटैक से बचने लगता है। साथ ही केट उस लेडी से अपने वेपन्स छीन लेती है। मूनस्टोन कहती है कि अपनी पावर्स यूज करने में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ वो करके ही रहूंगी। लेकिन तभी मूनस्टोन एक असहाय लेडी की तरह बैठ जाती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है। हॉकाई मूनस्टोन से कहता है तुम्हें रुकना होगा, तुम्हारी पावर्स तुम्हें मार रही है। मूनस्टोन कहती है तो अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। लेकिन तभी केट मूनस्टोन के हाथ में तीर मारकर कहती है वो तो बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब हॉकाई तेजी के साथ अपने हाथ में छुपाया वेपन मूनस्टोन की छाती में लगे पावर सोर्स के अंदर घुसा देता है। मूनस्टोन चिल्लाती है ये तुमने क्या कर दिया। मूनस्टोन का पूरा शरीर चमकने लगता है। मूनस्टोन के फॉलोअर्स कहते हैं तुम हमें ऐसी छोड़कर नहीं जा सकती, हमें भी अपने साथ ले चलो। हॉकाई और केट किसी चीज के पीछे छुपते हैं और साथ ही मूनस्टोन की बॉडी में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। मूनस्टोन के साथ साथ उसके फॉलोअर्स भी कोयला बन चुके हैं। हॉकाई कहता है अब हम फिर से गुम हो चुके हैं क्योंकि मूनस्टोन ही हमें बैरन जिमो का पता बता सकती थी। केट कहती है वो पहले ही हमें बता चुकी है, उसने कहा था कि ये सेंटिनल्स बैरन जिमो ने भेजे हैं। इनके ब्लैक बॉक्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि इन्हें किस लोकेशन से भेजा गया था और वहां से हमें बैरन जिमो का पता चल सकता है। इधर वेपन एक्स फैसिलिटी के अंदर अवेलांच बैरन जिमो से कह रहा है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि हमें वो रास्ता मिल चुका है, हमने सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट कर लिया है और 100 और ऐसे ही सीरम बना सकते हैं। सुपर सोल्जर सीरम अब तुम्हारा है। हमें दिखाई देता है एक आदमी और कुछ मरे हुए साइंटिस्ट। क्या यही आदमी बैरन जिमो है जिसने सुपर सोल्जर सीरम को अपने ऊपर यूज किया है? ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चल पाएगा।